बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हमने डंडी वाले काफ की पढ़ाई करनी है, ठीक है। ये कौन सा काफ है? डंडी वाला काफ। काफ कुर्सी, काफ किताब, काफ केला, काफ कौवा, काफ कुर्सी, काफ किताब, काफ केला, काफ कौवा। देखें, कुर्सी का फर्स्ट साउंड काफ, काफ रे कुर सीन छोटी सी कुर्सी। इसी तरह किताब का भी फर्स्ट साउंड काफ है। ये देखें, ये काफ, काफ के साथ क्या है? ते की छोटी शक्ल, काफ ते फिर अलिफ, काफ ते अलिफ ता बे किताब। और ये इसके तोड़ हैं, काफ ते अलिफ बे, काफ ते लिखता बे किताब। इसी तरह ये क्या है? काफ की छोटी शक्ल साथ ये की छोटी शक्ल, और साथ है लाम, काफ ये लाम अलिफ ला केला, काफ ये लाम अलिफ ला केला। इसी तरह कौवा का भी फर्स्ट साउंड काफ वाओ अलिफ वा कौवा। कि ये शद जो है इसका क्या मतलब है? जिसके ऊपर शद लिख दी जाए, लगा दी जाए, तो उसका मतलब होता है कि वो साउंड दो दफ़ा आएगा। ये देखिए, काफ वाओ कव वाओ अलिफ वा कौवा, ठीक है बेटा। शद का क्या मतलब होता है? जिस पर लगा दी जाए वो साउंड दो दफ़ा बोला जाता है। काफ कुर्सी, काफ किताब, काफ केला, काफ कौवा।